बस इधर ही, थोड़ा पीछे कर लो, बेस्ट है ये, बेस्ट है ये, हमारी दरबाल है ये, इसके ऊपर देनी है थल्ले पानी, एक नीचे पानी है, एक ऊपर ऐसे डाल देनी, बांध देनी है ऊपर पा देनी है। अच्छा लाना किने किने, दो तीन बंदे लाओ बस, सारे जन ला दो, की देखना थाने पता, कैंपस ही ला के देखया सी, लाया सी भैंस के लंबियां दे बाल आ गए, किसी दी हल्दी नहीं यार, जिधर नु करना कर लो, किधर को, नहीं नहीं इधर को मुंह करना है, पागल हो आप लोग, गेड़ा काने मुंह कर दो, आंधी जाने दुनिया दे यार, ये हां ये थोड़ा फ्लेम कर अल्लाह से सूरज तिरपाल डालो नीचे, पहले तिरपाल खोलो, तिरपाल डालो ना तले नीचे, नहीं मैंने तो काम कर रहा, सही है, हां मुझे तिरपाल काम पड़ेगा, ये शापर फेंक रहा है, इसको भी शाम में सुबह आते हैं, हां जब बदल पोने जब धूप आती है, फिर वो होती है गर्मी, ज्यादा धूप आती है तो ज्यादा गर्मी होती है, ज्यादा फिर भी नहीं होती, पत्ती सी इसको यार उठाओ नीचे, पहले तिरपाल डाले, सारे बंदों ने काम करना, चलो थोड़ा जा तुम धूप आ जाओ, मैं और आ गया, Just try to speak some formal and good words. बहुत बड़ी है माशाल्लाह तिरपाल ये तो। हाँ ये भाई 200% तुम्हें पता है वाटरप्रूफ है। 200% जी बिल्कुल 200%। 200% 200%। अहमदाबाद सब दा। तो मैंने देखा ये इधर से आए जदों ते अन्ना ने सानू लेते भी नहीं साफ की थी तो फिर तिरपाल लांदे पे हैं हुन अगे वेखने करदे की हैं। जी आप कुछ कहेंगे? जी जी ओके तो आपने स्टिक्स, ओ माय गुडनेस यू हैव अ लॉट ऑफ स्टिक्स, कहाँ डाल रहे हो बॉय? आई थॉट यू साथ साथ जोड़ने हैं कैंप के अंदर, जोड़ने अभी नहीं जोड़ने, मोटू सो गाइस जैसा कि आपको पता, हमने कैंपिंग शुरू कर दी है, कैंप लगाना शुरू कर दिया और माशाल्लाह से सात बंदे हैं और सातों बंदे इस कैंप के अंदर आएंगे, कैंप का हुजूम देख रहे हैं, वॉल्यूम देख रहे हैं, बहुत बड़ा वॉल्यूम है कैंप का और इंशाल्लाह अभी बस थोड़े ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में ही कैंप जो है वो रेडी हो जाएगा और इट्स अ ऑटोमेटिक कैंप, सो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कैंप को बनाने में और पत्ती वाला बंदा पता कि कह रहा है Good, 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 boys. Keep it up. You can do it. So you have sex with you? ये क्या कर रहे हैं वह दोनों? करो मौसम, आप उसे जोड़ के देना पीछे से ना, मैं उधर से पीछे से लगाई जाओ। ये क्या हो रहा है? यहाँ कैंपिंग लगा रहे हैं और वो कैंप के बाहर कैंपिंग कर रहे हैं। गिन के यार सात सात आनी है, गिनी हुई है, पर पकड़ उधर से राजा ऊपर आग लगा, हां इसलिए पकड़ पकड़ हम दूसरा ही ले गया इतनी हो जाती है, ये स्टार्ट हो जाती है, वो छोटा है और वो छोटा है यार, सही सही काम करो जरा जल्दी करो, टनल छोटे छोटा, सात बंदे नहीं आ सकते, ये टनल है, लेकिन ये टनल है, जैसा कि आप देख रहे हैं कैंप सिर्फ बस रेडी होने को है, ऑटोमेटिक कैंप है और बहुत जल्दी कैंप जो है वो रेडी हो जाएगा, मौसम भी काम पे लगा हुआ है, मौसम भी, हयान भी, अली भी, अली भी और अपना क्या नाम है भाई का, अरशद, अरशद गुजर भी काम पे बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, एक दो तीन चार पांच लगे हैं अभी, इसको उधर लगा लो, एक उधर लगाओ, कैंप लगाना बहुत आसान है, कैंप को पहले सब आप सबसे पहले आप बिछाएं, उसके नीचे अगर आपके पास कोई शीट है तो शीट भी जरूर लगाएं, हमने ये कौन सी शीट थी, शीट का नाम क्या है, शीट को क्या कहते हैं ये, इसको यार आई डोंट नो बट वाटर प्रूफ शीट अगर मार्केट से आप ले जाएंगे उसको सिल्वर और डबल 200% वाटर प्रूफ शीट दें तो वो आपके लिए बेस्ट होगी ताकि अगर सीम नीचे आ रही हो तो आपके कैंप को गीला ना करे, साइज भी, साइज क्या है उसका, जिलानी कहते हैं इसे, जिलानी वाली कहते हैं जी, ये वाली है कोई ऑरेंज सिल्वर 12x15 फुट, हमारे कैंप का भी साइज इस तरह था तो हमने उसके हिसाब से जो है वो शीट भी ली, तो हमने दो शीट्स लिए हैं ताकि एक हम नीचे बिछा सकें और एक ऊपर बिछा सकें ताकि जो कैंप भी अगर बारिश भी हो तो ऊपर से पानी कैंप के अंदर ना आ पाए,
और उसके बाद कैंप जो है वो सिंपल है बहुत। सबसे पहले तो आपने इसको टनल कैंप कहते हैं, टनल कैंप कहते हैं। सो टनल कैंप है, सबसे पहले तो आपने इसको बिछा देना है खुला करके, और उसके ऊपर फिर आपने बैट जैन और स्टिक्स जो है वो उसके अंदर डालनी है जी। नमी ना आने के लिए हमने जो नीचे भी शीट बिछाई है और ऊपर भी शीट बिछाई है। तो रस्सियां भी साथ पड़ी हुई हैं या वो नहीं है? साथ भी दी हुई नहीं, लेके आए रस्सी साथ भी दी होती है तो आपने साथ भी रस्सियां जो होंगी वो भी ठीक है, लेकिन आपने एक्स्ट्रा रस्सियां भी लेनी है ताकि अगर कुछ रस्सी टूट जाए या कुछ मसला हो तो आप अपनी जो एक्सटर्नल रस्सियां वो भी यूज कर सके, जैसे कि बिल्ट इन रस्सियां आई हुई हैं। हो सकता है कुछ कमजोर है लेकिन मोस्टली ठीक होती हैं, बट एक्स्ट्रा के भी हों तो वो बेस्ट रहती हैं जी। Hey guys, एक मुझे दो इधर, हम कैंप बना रहे हैं यार, और मैं सर फेंक इसको पहले हल्की हल्की हेल्प कर रहा हूँ। ये एक मिनट सर फेंक रहा है, किधर लगा के यार, इधर कम नहीं है वो भाई, लगा लेते हैं ना हम, क्या हो गया, इधर कम है, एक ये पकड़े बस ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरह करके अब ये कैंप खड़ा हो रहा है, खड़ा कर सेंटर से पहले सेंटर से एक तरफ से इधर भी साइड डिविजन किया। तो ये कैंप जो है ये इसको नीचे खपाना ना, इस तरह बन जाएगा, और ये काफी अच्छा कैंप है, बड़ा कैंप है तो गुड रहेगा। ये हम सात बंदे तो सात बंदे के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है, और भी इसमें बंदे की कैपेसिटी है वो भी आ सकते हैं। ये कुछ सामान अभी बाहर पड़ा हुआ है, इन सामान को उठा के जैसे कैंप बन जाएगा तो उसके अंदर फिर सामान भी रख दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कैंप लगे हुए हैं, छोटे मोटे कैंप, बड़े कैंप भी। उतारो उसको, उतारो एक, उतारो उतारो ये नीचे वाली, उतार लो, छोड़ दो नीचे से, छोड़ दो ना। सारे बंदे इसमें कम लगी है, सेंटर में कम लगी है, वो पीछे पूरी लगी है, एक सेंटर में कम लगी है, आगे कम लगी है, कहां पे छोटी हो रहा है, मैंने छोटियां कर, पीछे पूरी है, टिक्के है ना नीचे, टॉप में रोड़ा फाड़ मुन्ने, रोड़ा फाड़ लगा दिया आपने, वेरी गुड, आप लगाओ इधर पीछे, बस आगे रह गया, आगे एक छोटे रह गया, कम है, अब पूरी होनी है, बस पूरी हो गई है सारी, एक इधर सारी बराबर हो जाएगा। तो ये कैंप बिल्कुल फुल बाय फुल रेडी हो गया। इसके साइज क्या था, 12x15 फुट। तो आपने क्या रस्सी पकड़ के रखी हुई है कहीं कैंप? चार बंदे आए इधर, हाँ आ जाओ, आ जाओ चार बंदे, आ जाओ अली भाई, इधर आओ यार, जल्दी मैं ही कर रहा हूं, थोड़ा आगे उठा, आगे आगे कर रहा हूं मैं थोड़ा। गाइस आपने 7 मिनट लगा दिए हैं, ये सिर्फ 5 मिनट का काम था, इसका जो होते हैं वो ले गया अली, इसको थोड़ा आगे करें, इसको उठा के आगे कर रहा हूं मैं। कैसे खेच रहे हैं आप ये बकरा, कोई ये कुर्बानी का बकरा जैसे आप खेच रहे हैं? सो गाइस किसकी आप जरूरत आगे, ये कंप्लीट होने के बाद हम बताते हैं इसको, किस चीज की जरूरत आगे, आप लोगों को देख रहे हैं किस तरह लगता है जी जी, आगे तरीका से आसानी तरीके इसका, पहली दफा जो हमने लगाया था वो भी बड़ा गलत लगाया था, ये हमने तीसरी दफा भी ठीक लगाया था, ठीक लग रहा है जी, नहीं नहीं अब तो ठीक है, अब तो मास्टर हो गए, ये भी अच्छा था ना, इधर दो तीन यहां पे, क्योंकि हम कमरा नहीं लेते हैं बस कैंप ही लेते हैं, बस ये ठीक है ना जी। सो ये हुक जो है वो जमीन में डाल जा रही है, इसके ऊपर बिल्कुल पांव बिल्कुल टाइट करके इसे पांव दबा के रखें, दबा दें इसे, फुल कर दो इसके अंदर, यहां पे इसको फुल करेंगे ना फायदा है, पता क्या है, तो बादल नहीं ठीक है, फुल कर दिए ठीक है, इतना वो खुबा लेंगे हम, वो कर लेंगे पीछे करके ना इसके अंदर, अभी दो लड़के गिरे देनी है, बिल्कुल बिल्कुल ये मेन पॉइंट है, अच्छा अभी हमने लकड़ी के जो ना भी काटने हैं थोड़े से एक दो ना, ये इस तरह लग रहा है जैसे आप कुर्बानी के जानवर को खींच रहे हैं और आपने उसे पकड़ा हुआ है। सो हम बहुत बुलंदी पे आ चुके हैं, जैसे आप देख सक रहे हैं ये बहुत लंबे लंबे दरख्त हैं जो कि हमें नीचे छोटे छोटे नजर आ रहे हैं और यहाँ से ऊपर मजीद जा रहे हैं।
अब जो है कैंप को हुक्स डाल के बिल्कुल ठीक मतलब जो पाइप है वो डाल के बिल्कुल स्टैंड पे कर दिए। अब ये हुक्स डाल रहे हैं तो हुक्स से खींच रहे ताकि ये बिल्कुल टाइट हो गया हो जाए। और ये खिड़की भी आपको नज़र आ रही है अंदर से भी, इसके बाद रिव्यू करवाते हैं थोड़ी देर बाद। देख सकते हैं यहाँ बादलों में बिंगी ऐसे निकल जाती है, क्या हो गया आपको? किसने कहा है खींच पहनी नहीं? चलो ये चीज देखो भी आपने जो लगाई है वो ठीक है। और अंदर कर ली और अंदर कर पैर मार लगी पक्की लगी पैर मार खो बेनू। So guys, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीन चल रहे हैं और कैंप जो है बिल्कुल रेडी है फाइनल स्टेजेस में। वैसे तो ये 6 से 7 मिनट में हो जाना चाहिए था बट ये अभी ये वाला कैंप पे भी इन्होंने पहली दफ़ा सेट किया है तो इस पर 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है। तो क्या हुआ क्या हुआ प्रोजेक्टर तोड़ दिया कि पता नहीं स्क्रीन टूट गई है? नहीं प्रोजेक्टर के पे आया होगा स्क्रीन नहीं टूटती। साला लग गया होना तेरा ना वो पाइप के साथ। हां जी जी बिल्कुल बिल्कुल।